दोस्तों, क्या कंप्यूटर से कोई ज़्यादा फास्ट हो सकता है या रोबोट से ज़्यादा कोई फास्ट हो सकता है? हम लोग सोचते हैं कि नहीं होता है, लेकिन हम लोग का सोच बहुत गलत है। क्योंकि आज नेपाल के विजय शाही जो अपनी इस सोच में कामयाब हुए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, विजय शाही नेपाल के कालीकोट जिले के एक निवासी है, जो वहाँ पर उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला का आविष्कार किया है जो मोटे से मोटे बुक्स को बहुत फास्ट ही पढ़ सकते हैं और जैसे कि तैसे कॉपी में लिख सकते हैं। ये तो सुनने में बहुत अजीब लगता है और विश्वास भी नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा मोटा बुक्स पढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये गलत हम लोग का सोच है, क्योंकि इनके बारे में आपको जाकर तातो खबर नेपाली एक चैनल है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ऐसे मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ वीडियो है। ठाठो मान्छेलाई त नासाले अरूले लैयानी के जना हुन्छ भन्छन्, तर म गए पनि दिख्दैन नि त नेपालको लागि नै के गर्छु, किनकि अहिलेको शिक्षा प्रणाली हेर्दाखेरि रटन्ते शिक्षा एकदम भइरहेको छ। किनकि म पनि रटन्ते शिक्षाबाट नै पढेर आएको, जब मैले आफ्नो फर्मुला आविष्कार गरेँ त्यसपछि मात्र म आफ्नो एउटा छुट्टै अपनाएको विधा हो है। फर्मुला त एक्यु प्लस बिक्यु पनि त हुन्छ, तर त्यस्तो चाहिँ फर्मुला होइन हेर्नु त, यो फर्मुला भने भिन्नै छ र छुट्टै छ। किनकि यो देशका अहिले सम्पूर्ण मान्छेहरू योग्य चाहिँ भएका छन् शिक्षामा, तर दक्ष चाहिँ भएका छैनन्। तर विजय शाहीले पक्कै पनि दक्ष पनि बनाउनेछ र साथसाथ योग्य पनि बनाउनेछ। एक इन्टरभ्यूमा एक पत्रकारले पोसाक कहीँ आपको कोही आपका ट्यालेन्ट देखकर या आपका ये एजुकेसन का फास्ट देखकर कोई आपको यहाँ से ले जाना चाहता है तो क्या आप जाएंगे? तो विजय शाही ने जवाब दिया कि नहीं, मैं कहीं पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं बिकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्योंकि नेपाल का एजुकेशन सेक्टर बहुत कमज़ोर है, यहाँ पर रटने वाला पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल थ्रू नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए मैं नेपाल के लिए शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान देने वाला हूँ। और बोले कि मेरे एक अपना फार्मूला है जो अलग किस्म का फार्मूला है, इसे फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू भी होता है, लेकिन वो नहीं है, ये अलग किस्म का फार्मूला है जो बहुत जल्द अपने जैसे विजय शाही बनाने वाला हूँ। और ऐसे वीडियो क्लिप और है, आप देखते चले त्यहाँले चाहिँ 15 सेकेन्डमा 62 शब्द अब स्मरण गर्नुभयो, उहाँले सक्नुभयो। मैले मेरो अब फर्मुलाहरू हो नि त, मेरो फर्मुला मैले त्यसलाई सिकाएँ, त्यहाँले सक्नुभयो। अहिले चाहिँ सम्पूर्ण अहिले चाहिँ नेपालीले चाहिँ के भन्छ भनेपछि उसको चाहिँ फर्मुला हो भनेर साबित भएको छ। एक्ज्याक्टली यो एपिसोडको फर्मुला चाहिँ म हरेक मिडियामाहरूमा भइरहेको छ। अब लकडाउन खुल्ने बित्तिकै म सम्पूर्ण सतर्क जिल्लामै गएर हुन्छ या काठमाडौँ सिमना गएर हुन्छ के गर्छ। विजय साईले ये मेरा एक ऐसा फॉर्मूला है जो मैंने अपने डैड को सिखाया है, जो कुछ मिनट सेकेंड या कुछ मिनट में 65 वर्ड आसानी से याद कर दिए हैं। हो सकता है ये फॉर्मूला मेरे बहुत काम आए, जो आज या लॉकडाउन खुलने के बाद मैं 77 जिला में कोष्ठी कर इसे समझाऊंगा। बनाने सकूँ नेपाली जिनको सबसे शिक्षित बनाने सकूँ एक्जैक्टली मलाई कस्तो अवस्था, यो नेपालको शिक्षाको अवस्था अहिले रटन्ते शिक्षा छ होइन। अब मैले चाहिँ एउटा छुट्टै विधि अपनाएको छु। अब नेपाल विधि के हो ठ्याक्कै भन्नुहोस्? वैज्ञानिक हजुर, जसमा नेपालमा यो विधि सुरु भएको छैन हजुर, जसमा प्रकृति तथा विज्ञानका नियम अनि मूल्य र मान्यताको बारेमा पढाइयोस्, खोज अनुसन्धानलाई बढावा दियोस् भनेपछि अब म जस्तै हजारौँ विजय उत्पादन हुन्छ। एक्ज्याक्टली आप देख सकते हैं, नेपालका त बहुत बडा पत्रकार कृषि धाम एक इंटरव्यू में विजय शाही ने अपना जवाब दिया कि मैं अपने जैसा, फिर वही बात बोले कि अपने जैसा हजारों विजय शाही को प्रोड्यूस करना। फिर उन्होंने ऐसे बोला कि जो मेरा विधि है वो अलग किस्म का विधि है, वो साइंस वाला विधि है, जो अभी नेपाल में वो विधि नहीं लागू हुआ है। अब मैले के गर्छु भनेपछि, म अब जबसम्म नेपाललाई शिक्षित बनाउँदैन नि, अब तबसम्म म न त आफू केही पढ्छु न म कहीँ विदेशै जान्छु, नेपाललाई शिक्षित बनाउँछु र त्यो मान्छेले देखोस् त्यो मान्छे मलाई के गर्दो रहेछ त होइन र हेर्दासम्म चाहिँ म अब केही पनि आफू पढ्दैन र विदेश पनि जान्न, जब नेपाललाई शिक्षित नबनाउँदासम्म। विजय साहेब बोल्दै कि जो लोग
हमसे जलते हैं या नेपाल शिक्षित बनाने में हमें सपोर्ट नहीं करते हैं या हमारे काम में बाधा पड़ जाता है, वो लोग वो बात समझ ले कि मैं जब तक नहीं शिक्षित बनाऊंगा नेपाल को, जब तक नहीं कहीं पे जाऊंगा, नहीं कहीं पे पढ़ूंगा, अर्थात नहीं पढ़ेंगे ना कहीं विदेश जाएंगे, वो नेपाल के जैसे भी शिक्षित बनाकर छोड़ेंगे। वहाँ का सोच है, लेकिन हमें भी उम्मीद है वहाँ का सोच सफल हो। विदेश आई एक युवा है, जो वो युवा अपने देश के लिए अच्छे काम करें, हो सकता है उन्हें अच्छे काम के लिए अच्छे फल मिले और नेपाल का जनता का सपोर्ट हो, या विद्यार्थी की सपोर्ट हो, या शिक्षक का सपोर्ट, एजुकेशन का शिक्षक का सपोर्ट हो, हर अभिभावक का सपोर्ट हो, क्योंकि ये युवा जिनका विदेश आई नाम है उनका चेहरे का चमक इतना अच्छा है और वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, जरूर है कि कर सकते हैं। आज उन्होंने मुझे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कर ही दिया, आप ये पूछ सकते हैं, क्योंकि इनके जैसा पढ़ना दुनिया में कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मुश्किल बहुत है, लेकिन इन्होंने ऐसा काम करके दिखाया है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी नहीं किया था। वीडियो को यही करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।